हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10th पॉलिटी का चैप्टर 8 का हमारा फर्दर पार्ट। इट इज वेरी टेम्पटिंग टू थिंक ऑफ लीगल वेज ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स। ये बहुत ही टेम्पटिंग है। टेम्पटिंग मतलब लुभावना या ललचाने वाला, ये बहुत ही ललचाने वाला है ये सोचना कि लीगल वेज क्या होंगे हमारे पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए। टू थिंक ऑफ न्यू लॉज टू बैन अनडिजायरेबल थिंग्स, जो अनडिजायरेबल थिंग्स हैं उन्हें रोकने के लिए, उन पर बैन लगाने के लिए हमें न्यू लॉज सोचना पड़ेंगे। बट दिस टेम्पटेशन नीड्स टू बी रेजिस्टेड, लेकिन ये टेम्पटेशन जो हैं उन्हें रेजिस्ट करना बहुत जरूरी है। नो डाउट लॉज हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल रिफॉर्म में, पॉलिटिक्स में कोई भी तरह की सुधारणा करने के लिए कोई भी लॉ जो होना है, लॉ रहते हैं, उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। केयरफुली डिवाइस चेंजेस इन लॉ कैन हेल्प टू डिस्करेज रॉन्ग पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड एनकरेज गुड वंस। अगर आप केयरफुली किसी भी चेंजेस को लाएंगे लॉ में, डिवाइस करेंगे मतलब किसी भी चेंजेस को लाएंगे लॉ में, तो ये आपको हेल्प कर सकता है कि किसी तरह की जो गलत पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, और अच्छी पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो एनकरेज हो। बट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस बाय देमसेल्व्स कैन नॉट ओवरकम चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। बट जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस होते हैं वो खुद से कभी ओवरकम नहीं करते चैलेंजेस को जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो रहे हैं। This is like the rules of cricket, जैसे क्रिकेट के रूल्स हैं। A change in rules of LBW decision help to reduce negative batting tactics। मतलब जो भी चेंज अगर आ रहा है किसी LBW में, LBW के जो रूल्स होते हैं उसके डिसीजन में कोई चेंज आ रहा है, तो ये हेल्प कर सकता है आपके नेगेटिव बैटिंग टैक्टिक्स को रिड्यूस करने में। But no one would ever think that the quality of cricket could be improved mainly through changes in the rules. लेकिन कोई भी ये कभी नहीं मानता कि अगर rules के अंदर कोई changes करेंगे तो quality जो है cricket की वो improve हो सकती है। This is to be done mainly by the players, coaches and administrator. क्योंकि जो भी improvement या quality के अंदर improvement होगा cricket के, वो किस पर depend है? Players पर, coaches पर और administrators पर। सिमिलरली डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर टू बी कैरिड आउट मेनली बाय, और इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं वो मोस्टली कौन कैरी करता है? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पार्टीज, मूवमेंट्स और पॉलिटिकल कॉन्शियस सिटीजन्स। एनी लीगल चेंज मस्ट केयरफुली लुक एट वॉट रिजल्ट इट विल हैव ऑन पॉलिटिक्स। कोई भी लीगल चेंज जो है वो केयरफुली देखा जाता है कि क्या रिजल्ट होगा पॉलिटिक्स के ऊपर उस चीज का। कभी कभी द रिजल्ट में भी काउंटर प्रोडक्टिव, कभी कभी जो रिजल्ट है वो आपको काफी अच्छा सा प्रोडक्टिव कुछ मिलता है आपको। फॉर एग्जाम्पल मेनी स्टेट्स हैव बैन पीपल हु हैव मोर देन टू चिल्ड्रन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग पंचायत इलेक्शन। बहुत सारे जो कह सकते हैं एग्जाम्पल्स है कि बहुत सारे स्टेट्स ने बैन कर दिया है उन लोगों को जिन्हें दो बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं कॉन्टेस्टिंग पंचायत इलेक्शन में। This has resulted in denial of democratic opportunity to many poor and women, which was not intended. और इसके कारण क्या हुआ? Denial हो रहा है democratic opportunity का बहुत सारे गरीब और women's के लिए, which is not intended. Generally, laws that seek to ban something are not very successful in politics. क्योंकि पॉलिटिक्स में जनरली कोई भी लॉज ऐसे जिन्हें बैन किया जाता है वो बहुत ही सक्सेसफुल नहीं होते। लॉज दैट गिव पॉलिटिकल एक्टर्स इंसेंटिव्स टू डू गुड थिंग्स हैव मोर चांसेस टू ऑफ वर्किंग। वो लॉज जिससे पॉलिटिकल एक्टर्स को अच्छा इंसेंटिव मिलता हो, जिससे अच्छी चीजें हो रही हो, इससे चांसेस बढ़ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है वो चलेगा। द बेस्ट लॉज आर दोज विच एम्पावर पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। और सबसे अच्छे लॉज उन्हें माना जाता है जिसके कारण डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हो सके। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ लॉ दैट एम्पावर द पीपल टू फाइंड आउट वॉट इज हैपनिंग इन गवर्नमेंट एंड एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है? जिसमें हर सिटीजन को यह हक होता है कि क्या हो रहा है गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये पूरा जानने का हक होता है। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लॉ का, जो एम्पावर करता है पीपल्स को कि वो देख सकें, वो फाइंड आउट कर सकें कि गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक वॉचडॉग की तरह उन पर निगाह रखने का पूरा हक किसी भी पर्टिकुलर सिटीजन को होता है। Such a law helps to control corruption, और ऐसे law के कारण corruption भी रुकता है, control होता है, and supplement the existing laws that ban corruption and impose strict penalties. और इसके कारण जो existing laws है वो ban कर देते हैं corruption को, और उसके कारण strict penalties भी impose की जाती हैं।
डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर टू बी ब्रॉट अबाउट प्रिंसिपली थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस. जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है या डेमोक्रेसी के अंदर जो सुधारना आनी है वो सिर्फ प्रिंसिपली आ सकती है पॉलिटिकल प्रैक्टिस के थ्रू. देयरफॉर द मेन फोकस ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म शुड बी ऑन वेज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस. और इसीलिए उस तरह के डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को लाने के लिए जो मेन फोकस होता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का वो किस पर होना चाहिए, तो सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन करने में. As we discuss in the chapter on political parties, जो chapter हमने political parties के ऊपर था उसमें पढ़ा था, the most important concern should be to increase and improve the quality of political participation by ordinary citizen. और ये कब हो सकता है, बहुत ही important concern क्या है कि हमें increase करना चाहिए और improve करना चाहिए quality of political participation को, जिसमें ordinary citizen को participate करने का पूरा हक होना चाहिए. Any proposal for political reform should think not only about what is good solution but also about who will implement it and how. कोई भी प्रपोजल जो होता है पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए वो सिर्फ इस चीज को नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा गुड सॉल्यूशन है हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, बट उसने इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा और उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा. It is not very wise to think that the legislature will pass legislations that go against the interest of all political parties and MPs. ये बहुत ही अच्छा नहीं होगा सोचना कि जो legislatures होते हैं उन्होंने legislations को pass करना चाहिए against the interest of all political parties. जो भी political parties हैं उनके oppose में या पूरे MPs जो हैं उनके oppose में नहीं होना चाहिए. But measures that rely on democratic movement. बट उसने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे रिले करना है डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे, सिटीजन्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे एंड द मीडिया आर लाइकली टू सक्सेड. और मीडियाज भी उससे सक्सेड होना चाहिए. Let us keep these general guidelines in mind and look at some specific instances of challenges to democracy that require some measures to reform. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, गाइडलाइंस को हमें अपने दिमाग में रखना है और कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को देखना है जो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी हैं, जिसकी जरूरत है मेजर करने के लिए रिफॉर्म को. लेट अस ट्राई टू कम अप विद सम कॉन्क्रीट प्रपोजल्स ऑफ रिफॉर्म. और फिर हमें कुछ कॉन्क्रीट यहाँ पर हमें दिए गए हैं रिफॉर्म के अलग अलग, ये हमें ध्यान में रखना है. हियर आर सम चैलेंजेस दैट रिक्वायर पॉलिटिकल रिफॉर्म. पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है, ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पर. डिस्कस दिस चैलेंजेस इन डिटेल, स्टडी टू रिफॉर्म ऑप्शन ऑफर्ड हियर एंड गिव योर प्रेफर्ड सॉल्यूशन विद रीजन. रिमेंबर दैट नन ऑफ द ऑप्शन ऑफर्ड हियर इज राइट और रॉन्ग. यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं वो राइट है या रॉन्ग है ये आपको नहीं सोचना है, या इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं है. यू कैन ऑप्ट फॉर अ मिक्स ऑफ मोर देन वन ऑप्शंस और कम अप विद समथिंग दैट नॉट ऑफर्ड हियर. मतलब ये दोनों ऑप्शन में से आपको क्या ट्रू लग रहा है आपको ये बताना है, या तो आप अपना तीसरा कोई ऑप्शन बता सकते हैं जो यहाँ पर नहीं बताया गया है. बट यू मस्ट गिव योर सोल्यूशन इन डिटेल एंड ऑफर रीजन्स फॉर योर चॉइस. लेकिन आपको अपना सोल्यूशन डिटेल में देना है और ऑफर करना है रीजन्स को आपकी चॉइस के. डॉक्टर्स एब्सटेंसिज्म, पॉलिटिकल फंडिंग, यहाँ पर अलग अलग दो सिचुएशंस दी गई हैं, इसे हम देखते हैं. चैलेंज क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गॉट अ सर्वे डन एंड फाउंड आउट दैट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स पोस्टेड इन रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर सिंपली नॉट देयर. मतलब ये चैलेंज था कि जो डॉक्टर्स थे वो एब्सेंट थे. उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया था जिसमें डॉक्टर्स जिन्हें रूरल एरियाज में पोस्ट किया गया है, छोटे छोटे गाँव में, खेड़ों पर जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में उन्हें पोस्ट किया गया है, वहां पर वो लोग हैं ही नहीं. वो लोग अपनी जो कमाई है वो तो उन्हें मिल रही है पेमेंट तो गवर्नमेंट से, लेकिन वो वहां काम नहीं कर रहे. दे लीव इन अ टाउन, वो टाउन में रह रहे हैं, कैरी आउट प्राइवेट प्रैक्टिस और वहां पर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं. एंड विजिट द विलेज वेयर दे आर पोस्टेड ओनली वंस एंड ट्वाइस इन अ एंटायर मंथ. और पूरे महीने में एक या दो बार उस विलेज में जाते हैं जहां पर उनकी पोस्टिंग की गई है. विलेजेस हैव टू ट्रेवल टू टाउन एंड पे वेरी हाई फी टू प्राइवेट डॉक्टर्स इवन फॉर कॉमन अलाइनमेंट्स. मतलब जो विलेजेस है जिन विलेजेस के लिए गवर्नमेंट ने उन डॉक्टर्स को पोस्ट किया है उस विलेज में, वो वहां पर ना होके वो वहां ना नहीं है डॉक्टर्स, तो इसलिए विलेजेस को अपने इलाज के लिए टाउन जाना पड़ता है और वहां जाकर उन्हें प्राइवेट डॉक्टर्स को काफी हाई फीस देनी पड़ती है जो कि उनकी वो कॉमन अलाइनमेंट्स के लिए, मतलब जो नॉर्मल चीजें हैं कफ कोल्ड एंड ऑल इन चीजों के लिए भी.
रिफॉर्म प्रपोजल क्या है, द गवर्नमेंट शुड मेक इट कंपलसरी फॉर द डॉक्टर्स टू लिव इन द विलेज वेयर दे आर पोस्टेड, अदरवाइज देयर सर्विस शुड बी टर्मिनेटेड. गवर्नमेंट ने पहली चीज क्या करनी चाहिए, इसमें सुधार क्या करना चाहिए, तो सारे डॉक्टर्स को एक कंपल्शन कर देना चाहिए कि उन्हें जहां पर पोस्टिंग मिली है वहीं पर रहना है, वहीं पर काम करना है. अगर वो वहां पर नहीं है, अगर वहां पर एबसेंट है, तो उनकी जॉब को जॉब से उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिस शुड कैरी आउट सरप्राइज रेट्स टू चेक द अटेंडेंस ऑफ द डॉक्टर. जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस जो है, उन्होंने अचानक से कहते हैं ना शॉकिंग वाला सरप्राइज वाला रेट जो है, सरप्राइज वाला कह सकते हैं कि जाकर एकदम सरप्राइज देना चाहिए देखने के लिए कि डॉक्टर्स वहाँ है कि नहीं. प्री इंटीमेशन उन्हें नहीं मिलना चाहिए. विलेज पंचायत शुड बी गिवन द पावर टू राइट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द डॉक्टर विच शुड बी रीड आउट इन द ग्राम सभा मीटिंग. ग्राम सभा मीटिंग में पंचायत जो है, विलेज की पंचायत को पूरा ध्यान रखना है एनुअली जो डॉक्टर है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या वो ठीक से काम कर रहा है, प्रॉपर आ रहा है, ये सारी चीज़ों को उसे लिखना है, रिकॉर्ड रखना है, और देन ग्राम सभा मीटिंग में उसे लोगों के सामने पढ़कर सुनाना है. Problems like this can be solved only if Uttar Pradesh is split into several smaller states which can be administered more efficiently. और ये कहा गया है कि ये प्रॉब्लम्स जो है इस तरह की, ये तभी सॉल्व हो सकती हैं जब उत्तर प्रदेश को, यूपी को और छोटे छोटे सेवरल स्मॉलर स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए जहां पर बहुत ही इफिशियंटली एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए. ये पहली चीज. दूसरी है पॉलिटिकल फंडिंग. On an average, every candidate who contested in last Lok Sabha elections own a property of more than rupees 1 crore. मतलब यहाँ पर एक एवरेज अगर देखा जाए तो हर कैंडिडेट जो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए खड़ा हुआ है उसकी अपनी प्रॉपर्टी में पैसा कितना होगा, मतलब वहां जो खड़े हुए लोग हैं उनमें सभी की प्रॉपर्टी 1 crore से ज्यादा की है. There is a fear that only wealthy people or those with their support can afford to fight elections. और फिर ये लोगों के मन में आने लग गया है कि जो लोग वेल्दी हैं, जिसके पास पैसा है, या फिर जो पैसे वाले की जिसको सपोर्ट है, वही लोग इलेक्शंस में खड़ सकते हैं या लड़ सकते हैं. Most of these political parties are dependent on money given by big business houses. और इस तरह से बहुत सारी political parties जो हैं किसके ऊपर depend है money के लिए, बड़े बड़े big business houses पे. The worry is that the role of money in politics will reduce whatever little voice the poor have in our democracy. और डर सिर्फ एक चीज़ का है या चिंता सिर्फ एक चीज़ की है इस तरह की पॉलिटिक्स में, कि अगर इस तरह से अमीर लोग ही पॉलिटिक्स में खड़े रहेंगे और अगर अमीर लोग जीतते हैं तो वो अपने ही अपने अंदर पैसा भरते रहेंगे, अपने पास पैसा जमा करते रहेंगे, और यहाँ पर गरीब की आवाज़ जो है वो दबके रह जाएगी डेमोक्रेसी में. तो इसके लिए रिफॉर्म क्या है, सुधारणा किस तरह से होगी. फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है हर पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी पब्लिक होने चाहिए, सब लोग देख सके फाइनेंशियल अकाउंट कैसा है. ये अकाउंट शुड बी एग्जामाइंड बाय गवर्नमेंट ऑडिटर्स, और गवर्नमेंट के ऑडिटर्स ने इनके अकाउंट देखने चाहिए कि क्या लीगल पैसा है इनके अकाउंट में. इन्होंने जो पैसा अपने अकाउंट में दिखाया है वो पैसा उनकी खुद की कमाई का है, क्या वो सही पैसा है. There should be state funding of elections. Parties should be given some money by the government to meet their election expenditure. State funding elections होने चाहिए, मतलब parties को कुछ पैसा government की तरफ से मिलेगा जिससे वो elections के expenditures को उठा सके. जैसे क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो elections में पहले publicity करने में, अपने आप को प्रचार प्रसार में पैसा लगा सकता है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो तो नहीं लगा सकता, तो वो elections में खड़ा ही नहीं रहता. लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन लोगों को देना चाहिए जिनके पास पैसा है भी या नहीं भी, लेकिन वो अपने इलेक्शंस की प्रचार प्रसार में पैसा लगा पाए. तो इसके कारण क्या होगा कि जो अमीर लोग हैं वही खड़े रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं रहेगा. Citizens should be encouraged to give more donations to parties and to political workers. Such donations should be exempt from income tax. Citizens जो है उन्हें encourage करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा donations दे पाए parties को और political workers को, और ऐसे donations जो है वो income tax से वसूले जा सकते हैं इन citizens के. तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हमें यहाँ पे दिए हैं. कुछ अदर प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं अपनी चॉइस के. जैसे ऊपर आपको एक प्रॉब्लम बताई, दो सिचुएशन, अलग अलग डॉक्टर्स की सिचुएशन और एक जो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडर्स की सिचुएशन है, कैंडिडेट लोकसभा के उनकी बात बताई. ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स जो आपने कभी फेस किए हों वो आपको यहाँ चैलेंजेस लिखना है, और उनके रिफॉर्म प्रपोजल्स भी आपको लिखना है. रिफॉर्मिंग पॉलिटिशियन का पढ़ेंगे हम. रोज मैनेज टू कैच मैडम लियोंग आउटसाइड द क्लासरूम, something she had been planning to do for some time. Ma'am, I really like that candy and cartoon.
यहाँ पर रोज जो है वो किसी तरह से मैडम को कह रही है आउटसाइड द क्लासरूम, कुछ वो प्लान कर रही रहती है कुछ समय के लिए, कुछ अपने दिमाग में कुछ समय से. वो कहती है कि मैम मैं ये जो कैनेडियन कार्टून है वो मुझे बहुत पसंद है. रोज नीडेड समथिंग टू ओपन द कन्वर्सेशन. वो कुछ ना कुछ चाह रही थी कि किसी तरह से कन्वर्सेशन शुरू हो. विच वन, मैडम कहती है, कौन सा कार्टून? लियोनो कुड नॉट रिकॉल. मैडम जो है वो समझ नहीं पा रही थी. मैम द वन विच सेज 98% कैनेडियंस वांट ऑल द पॉलिटिशियंस टू बी लॉक इन अ ट्रंक ऑफ अ कार एंड थ्रोन इनटू नायगारा फॉल्स. मतलब मुझे मैम उन लोगों से मिलना है या वो लोग मुझे बहुत पसंद है, कैनेडियंस 98% कैनेडियंस जो चाहते हैं कि सारे पॉलिटिशियंस को एक ट्रंक के अंदर बंद कर देना चाहिए, मतलब कार के अंदर बंद कर देना चाहिए और नायगारा फॉल्स से उन्हें फेंक देना चाहिए. आई वॉज थिंकिंग ऑफ अवर पॉलिटिशियंस. मैं हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में सोच रही हूँ. वी वुड नीड अ बिगर व्हीकल एंड अ रिवर एज माइटी एज ब्रह्मपुत्र. हमें हमारे पॉलिटिशियंस के लिए बहुत बड़ी सी व्हीकल लगेगी क्योंकि सारे के सारे ही पॉलिटिशियंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा करप्टेड हैं और इसीलिए हमें जैसे नायगारा फॉल्स की बात कर रहे हैं तो हमें हमारे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी रिवर लगेगी इन इन जो पॉलिटिशियंस हैं इन्हें उसमें डालने के लिए. लियोनो मैम स्माइल एट रोज. वो हंसने लगती है मैडम उसे देखकर. लाइक मोस्ट इंडियंस शी इज ऑल्सो वेरी मच अनहैप्पी विद द वेज पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री हैव बीन बिहेविंग एंड रनिंग द पार्टीज एंड गवर्नमेंट. क्योंकि जैसे कि बाकी बहुत सारे इंडियंस भी अनहैप्पी थे पॉलिटिशियंस को लेकर, बिल्कुल उसी तरह से मैडम भी जो थी वो बहुत ही अनहैप्पी थी जो बिहेवियर था या वो किस तरह से पार्टीज जो चल रही हैं गवर्नमेंट की उन्हें देखकर. बट शी वॉन्टेड रोज टू अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम. लेकिन वो रोज को चाह रही थी, वो ये चाह रही थी कि रोज अप्रिशिएट करे जो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी है. उसे रोज समझ रही थी, डू यू थिंक आवर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड इफ वी गेट रीड ऑफ आवर पॉलिटिशियंस. मैडम उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि हम हमारे पॉलिटिशियन से परेशान हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी? यस मैम, aren't this mean politicians responsible for all the problems in our country? हाँ मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉलिटिशियंस को ही हम निकाल दें तो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि पॉलिटिशियंस ही तो इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है. आई मीन करप्शन, डिफेक्शन, कैस्टिज्म, कम्युनल वायलेंस, क्रिमिनलिटी, एवरीथिंग. वो बताती है इन सभी चीजों में तो पॉलिटिशियंस का हाथ है. लियोनो मैम, so all we need is to get rid of the current lord. तो मैम कहती है किसका मतलब यह है कि हमें इन सब चीजों से छुटकारा चाहिए. आर यू श्योर दैट दोज हु रिप्लेस देम विल नॉट डू दिस थिंग्स? क्या तुम्हें ऐसा लगता है रोज कि अगर ये लोग सबको हम हटा दें या इन्हें इनकी पोजीशन से हटा दें और उनके जगह दूसरे जो लोग आ जाएं वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? रोज, वेल आई हैड नॉट थॉट ऑफ इट. मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, बट मे बी नॉट, बट शायद वो लोग ऐसा ना करें. वो लोग भी शायद वैसे ही हों. मे बी वी विल गेट लीडर्स ऑफ बेटर कैरेक्टर. मतलब वो ऐसे ना हों और हमें अच्छे कैरेक्टर वाले लीडर्स मिल सकते हैं. मैडम, आई एग्री विथ यू दैट सिचुएशन विल चेंज इफ पीपल शो मोर केयर एंड अलर्टनेस टू रिजेक्ट करप्ट एंड बैड पॉलिटिशियन एंड इलेक्ट द राइट वंस. हाँ, तो मैडम कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन बदल सकती है अगर हम लोग जो हैं बहुत ही अलर्टली और बहुत ही ध्यान से इलेक्ट करें अपने रिप्रेजेंटेटिव को. एंड मे बी ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट करप्ट. और फिर सारे के सारे पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं ऐसा भी नहीं है. How can you say that, ma'am? Interrupted Rose. Rose कहती है, ऐसा आप क्यों कहती हैं कि सारे के सारे politicians corrupt नहीं हो सकते? Madam, I did not say that politicians are not corrupt. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि politicians corrupt नहीं होते. Maybe when you think of politician, you think of these big people. Maybe कि आप जब भी politicians की बात करते हैं आप उन बड़े लोगों की बात करते हैं जिनकी photos आपको newspaper पे देखने को मिलती हैं. I think of political leaders that I have known. लेकिन मैं सोचती हूँ उन पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में जिन्हें मैं जानती हूँ. आई डोंट थिंक दैट द पॉलिटिकल लीडर्स आई नो आर मोर करप्ट देन माई ओन कलीग्स. मतलब मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिकल लीडर्स और ज्यादा करप्टेड होंगे उन लोगों से जो मेरे खुद के कलीग्स थे जो लीडर्स बने हैं, गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या अदर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ. मतलब ये लोग भी खुद इतने करप्टेड हैं. Corruption of the politician is more visible and we get impression that all politicians are corrupted. जो corruption है वो हमें ज़्यादातर politicians से देखने को मिलता है या उनका corruption हमें एकदम सामने से देखने को मिलता है, more visible होता है. इसलिए हमें लगता है कि सारे के सारे politicians ही corrupted हैं. Some of them are and some of them are not. उनमें से कुछ politicians corrupted होते हैं और कुछ नहीं होते. Rose did not give up. Ma'am, what I mean is that there should be strict laws to curb corruption and wrong practices like appeals to caste and community.
रोज मैडम की बात पर विश्वास नहीं करती है, और वो कहती है कि मतलब वो मानती नहीं उनकी बात को, वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो बनाने चाहिए करप्शन को लेकर, और जो ये गलत चीजें हो रही हैं उनको लेकर, जैसे कास्ट को लेकर और कम्युनिटी को लेकर जो गलत बातें हो रही हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए। मैडम आई एम नॉट श्योर रोज, मुझे तो नहीं लगता ऐसे। फॉर वन थिंग देर इज ऑलरेडी अ लॉ बैनिंग एनी अपील टू कास्ट एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स। एक चीज के लिए ऑलरेडी लॉ बना हुआ है जो बैन करता है किसी भी तरह की अपील को जो कास्ट और रिलीजन को लेकर है। पॉलिटिशियंस फाइंड अ वे टू बाईपास दैट, और पॉलिटिशियंस के पास बहुत रास्ते हैं उन चीजों को अवॉइड करने के। लॉज कैन हैव लिटिल इम्पैक्ट अनलेस पीपल रेजिस्ट अटेम्प्ट। लॉज जो है उनके ऊपर इफेक्ट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, जब तक कि पीपल रेजिस्ट ना करें उनके अटेम्प्ट को टू मिसलीड एंड डिवाइड पीपल्स इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अगर लोग ही खुद कास्ट और रिलीजन को लेकर अपने बीच में डिविजन करेंगे तो इस तरह के लॉज को इम्पैक्ट, मतलब इस तरह के लॉज पर इम्पैक्ट जरूर होगा, इससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू कैनॉट हैव डेमोक्रेसी इन रियल सेंस अनलेस पीपल एंड पॉलिटिशियन ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। मैडम कहती है कि हमें कभी भी डेमोक्रेसी को हम जी नहीं पाएंगे रियल सेंस में अगर हम लोग, हम पीपल्स और पॉलिटिशियंस जब तक कास्ट और रिलीजन के इस बैरियर को, इस जो बीच में हमारे प्रॉब्लम आ रही है इसे हम ओवरकम ना कर पाए, तब तक हम डेमोक्रेसी को रियल सेंस में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी, ये जो टॉपिक है इसे हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।